Which one of the following option? Give one correct example each of convergent evolution and divergent evolution. तो हमें देखना है कि इनमें से convergent evolution और divergent evolution का सही example किस option में दिया हुआ है. तो यहाँ पे हमें दिए है convergent evolution and divergent evolution. तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये होते क्या है. तो देखिए divergent evolution means homology या फिर homologous organ. Homologous organ. तो homologous organ ऐसे organ होते हैं जिनके structure सेम होते हैं लेकिन function different होता है. Example है इसके four limbs of whale, bat, cheetah. तो आप जानते हैं इन तीनों के ही structure सेम है लेकिन whale के four limbs swimming में help करते हैं, बैट के फ्लाइंग में एंड जबकि चीता के रनिंग में. तो इन तीनों के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग हैं. और इसके अलावा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसका मीन्स होता है एनालॉजी या फिर एनालोगस ऑर्गन. तो ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनके फंक्शन सेम होते हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, जैसे कि आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स. तो इनके फंक्शन तीन दोनों के सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं. इसलिए हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे वन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, जबकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस डैट कैन विदस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेड बाय एन एंजाइम इज, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि एनवायरमेंट की एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है और उस पर एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं होता है. क्यूटिकल, स्पोरोपोलिलिन, लिग्निन या फिर सेलुलोज. तो सही आंसर होगा टू, स्पोरोपोलिलिन, जो कि पोलन वॉल में पाया जाने वाला एक टफ मेजर कंपोनेंट होता है और इस पर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है. साइकस एंड एडेंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग सीड्स, मोटाइल स्पर्म्स, कैम्बियम या फिर वेसल्स. तो सही आंसर होगा टू, इन दोनों में मोटाइल स्पर्म्स पा जाता है, जबकि साइकस एक जिम्नोस्पर्म है एंड एडेंटम एक टेरिडोफाइट है. इसके बावजूद भी दोनों में मोटाइल स्पर्म्स पा जाता है. What was the most significant trend in the evolution of modern man, Homo sapiens from his ancestors? यानी कि modern man, Homo sapiens को इनमें से ऐसा कौन सा most significant trend है जो कि इनके पूर्वजों से अलग करता है? Shortening of jaws, यानी कि जबड़ों का छोटा होना, binocular vision, increasing cranial capacity या फिर upright posture. तो सही आंसर होगा 3, increasing cranial capacity. तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ जाना यानी कि 1450 सीसी हो जाना इन्हें इनके पूर्वजों से अलग करता है. साइमोस इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, इनमें से किस में साइमोस इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है? सोलेनर्म, ससबानिया, ट्राइफोलियम या फिर ब्रेसिका. तो देखिए इनफ्लोरेसेंस दो टाइप के होता है, साइमोस एंड रेसिमोस. ये आप जानते होंगे साइमोस में क्या होता है. साइमोस में प्लांट के मेन एक्सिस पर किसी बर्ड या फिर फ्लावर की ग्रोथ हो जाती है जिससे इसकी ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है. तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. और यदि किसी प्लांट के मेन एक्सिस पर फ्लावर की ग्रोथ ना हो और वो लगातार बढ़ती रहे और इसमें फ्लावर्स उसके लेटरल साइड पर ग्रो करे तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. तो यहाँ हमसे पूछा है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल होगा सोलेनर्म. इसके अलावा रेनुकुलस, धतूरा, ये सभी साइमोस के एग्जाम्पल हैं. राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइजिंग, यानी कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनते हैं? लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर राइबोसोम्स. सही आंसर होगा टू, न्यूक्लियोलस, जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनते हैं. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकम्बिनेस पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, गैमेट फॉर्मेशन के समय रिकम्बिनेस एंजाइम किस स्टेज में पार्टिसिपेट करता है? मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड, प्रोफेज फर्स्ट या फिर प्रोफेज सेकेंड.
तो आप जानते होंगे प्रोफेज की, यानी कि प्रोफेज वन की पैकेटिन स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है और इसी समय एंजाइम रिकम्बिनेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 3, प्रोफेज फर्स्ट। आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। तो हमें देखना है कि इनमें से ए क्या है। यहाँ पे दिया है प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, ए ईगल। तो यहाँ पे ए क्या हो सकता है, रैबिट, वोल्फ, कोबरा या फिर पैरट। तो सही आंसर होगा 3, कोबरा। तो यहाँ पे हम कोबरा को रख सकते हैं जिससे इसकी फूड चेन कंप्लीट हो जाएगी। फाइलोर्ड इज प्रेजेंट इन, फाइलोर्ड पाया जाता है एस्पेरागस, यूफोर्बिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया या फिर ओपनचिया। देखिए फाइलोर्ड ऐसे स्थानों पर जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर मौजूद प्लांट की पीटियोल, प्लांट्स की पीटियोल लंबी व चपटी हो जाती है जिसे फाइलोर्ड कहते हैं, और इनका काम ट्रांसक्रिप्शन रेट को कम करना होता है जिससे प्लांट में पानी का लॉस कम हो सके। और इसका एग्जाम्पल होगा, सही आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, जिसमें कि फाइलोर्ड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनस्कस परप्यूरस इज ए ईस्ट यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ। मोनस्कस परप्यूरस जो कि एक ईस्ट है उसका यूज किसके कमर्शियली प्रोडक्शन में किया जाता है, इथेनॉल, स्ट्रेप्टोकाइनेस फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, सिट्रिक एसिड या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग स्टेटिंस। सही आंसर होगा 4, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग स्टेटिंस। इसका यूज स्टैटिन बनाने में किया जाता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन के समय सेल ऑर्गेनल्स का सही सिक्वेंस क्या होता है। तो देखिए फोटो रेस्पायरेशन एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसमें राइबुलोस बाईफॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एंड इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सिसोम। सिग्नल्स फॉर पार्टूशन ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी कि चाइल्ड बर्थ के सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, प्लेसेंटा ओनली या फिर फुली डेवलप्ड फीटस ओनली। सही आंसर होगा 1, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस, यानी कि चाइल्ड बर्थ के सिग्नल प्लेसेंटा से एंड फुली डेवलप्ड फीटस से ओरिजिनेट होते हैं जिससे कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। अ पेशेंट बोर्न टू अ हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज नॉर्मली इमिडिएटली गिवेन, यानी कि एक पेशेंट जिसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर MI का अटैक आया है उसे तुरंत क्या दिया जाएगा, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन ए या फिर स्टैटिन। सही आंसर होगा स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्योंकि यह क्लोट बस्टर की तरह काम करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल वेयर एज रिमेनिंग 3 आर, यानी इनमें से कौन कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। दे कंप्लीट विद नॉर्मल सेल फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन, दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर या फिर दे सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सही आंसर होगा 4, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है जिसमें कि सेल में चोट लग जाने पर या कोई इंजरी हो जाने पर सेल सिकुड़ जाती है। द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल इन फ्लावर ऑफ, यानी कि किसके फ्लावर में, गाइनोशियम में फ्री पिस्टल्स पाए जाते हैं, एलोए, टमेटो, पेपेवर या फिर माइसीलिया। तो देखिए गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें कि दो टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। तो एपोकार्पस में क्या होता है, इसमें पिस्टिल्स फ्री रहते हैं या सेपरेट रहते हैं, इसका एग्जांपल है माइसेलिया, जबकि सिनकार्पस में इसके पिस्टिल्स फ्यूज रहते हैं यानी कि आपस में जुड़े रहते हैं, और इसका एग्जांपल है टमाटो। तो यहाँ हमसे पूछा है फ्री पिस्टिल यानी कि एपोकार्पस, इसका एग्जाम्पल होगा 4, माइसेलिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फंक्शनल
यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, इनमें से कौन इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट नहीं है? एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी या फिर स्ट्रेटिफिकेशन? सही आंसर होगा 4, स्ट्रेटिफिकेशन इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट नहीं है। तो देखिए इकोसिस्टम की 4 फंक्शनल यूनिट होती है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी? इंडिया में पाया जाने वाला कौन सा एरिया है जहाँ पर जिसे कि हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी माना जाता है? ईस्टर्न घाट्स, गैंगेटिक प्लेन, सुंदरबंस या फिर वेस्टर्न घाट्स? तो देखिए इंडिया में टोटल 3 हॉटस्पॉट पाया जाता है, तो आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट्स। नंबर टू है इंडो बुर्मा एंड नंबर 3 हिमालयन रीजन्स। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी, वेस्टर्न घाट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सही स्टेटमेंट है? पहला है टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। तो इसका पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि ये स्टेज ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है, जिनमें से ब्रायोफाइट के मॉस में ये स्टेज पाई जाती है। दूसरा है इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। तो ये भी गलत है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है। थर्ड है एंथ्रीडियोस्पोर्स एंड आर्किगोनियोस्पोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों ब्रायोफाइट्स के मार्केंसिया में पाया जाता है। एंड लास्ट है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स। तो इसका 4th स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया हुआ है।